सुबह सुबह उठे, 6 बजे निकलना था। ऐसी खतरनाक मूसलाधार बारिश हुई, ठीक है, ऐसी खतरनाक मूसलाधार बारिश। पर आज जिस हंट पे हम जा रहे हैं उसके लिए मुझे ये मूसलाधार बारिश भी नहीं रोक सकती। अब आप सोच रहे होंगे, आकाश भाई ये हंट है किस चीज़ की? ये हंट है टू फाइंड द सीक्रेट लेक। इस सीक्रेट लेक के बारे में हमें 2-3 चीज़ें पता है। सबसे पहली चीज़ हमें ये पता है कि दिस लेक इज़ इन फरीदाबाद में अरावली हिल्स, ओके। दूसरी चीज़ हमें ये पता है कि इस लेक को पहुँचने के लिए हमें कुछ गाँव के थ्रू गुजरना पड़ेगा और फिर एक ऑफ रोड टेरेन आएगा, फिर हमें ऑफ रोडिंग टेरेन में जाना पड़ेगा थ्रू झाड़ियाँ एंड देन वी रीच द लेक। तो थोड़ा टेक्निकल अप्रोच है। और तीसरी बात यह है कि ये लेक कुछ ज़्यादा ही सुंदर है, कुछ ज़्यादा ही सुंदर। मैंने सोचा यार है तो गुड़गांव में, then why not just get out and find this lake? So today in this vlog we're gonna find the hidden lake near Delhi NCR. Let me introduce you to our ride today. So dosto, this is Mahindra Thar 4x4. आपको पता है थार हमारी especially Wonder with Sky की journey में कितनी important vehicle है, because we have our Zanskar right over there. But today we're gonna take this red Mahindra Thar. क्यों? Because this is the newest version of the Thar. This is what you get in the market today. So Mahindra Thar has sent us this awesome beast. और जैसे मैं आपको मुझे थार के बारे में बताता हूँ, थार has what it's called a head turner design. अब आप इस गाड़ी के डिज़ाइन को देखिए, इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि बस जिंदगी में एक ऐसी गाड़ी मिल जाए और क्या ही चाहिए, है ना। कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, द डिज़ाइन ऑफ द कार स्पेशली दिस 5-slot grill is most iconic. एंड एक चीज़ बताता हूँ, जब भी मैं थार के साथ निकला हूँ सड़क पे, लोगों ने मुड़ के देखा है। ये महिंद्रा थार आती है 2 versions में, दैट इज़ डीजल एंड पेट्रोल, और दोनों इंजन्स ही बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। हमारी ज़ांस्कर पेट्रोल है, पर आज मैं लेके जा रहा हूँ डीजल, बिकॉज अगेन कुछ नया होना चाहिए। आप लोगों को पता है आई एम अ हार्डकोर ऑफ रोडर, पर आज कुछ ऐसे बंदे लेके जा रहा हूँ जिन्होंने लाइफ में कभी ऑफ रोडिंग नहीं करी है। सबसे पहले तो आप जानते हैं हमारे बड़े भाई पूजनीय भ्राता श्री हिमांशु मल्होत्रा। सो हिमांशु मल्होत्रा, आज जाने वाले हैं ऑन दिस थार, एंड आज हम हिमांशु को ऑफ रोड करने देंगे, एंड वी विल टीच हिम हाउ टू ऑफ रोड। एंड थ्रू दिस व्लॉग मैं आप सबको सिखाऊंगा द बेसिक्स ऑफ ऑफ रोडिंग। और हमारे पास एक जनरेशन जी, ठीक है, कि जो हमारे छोटी ऑडियंस है उन लोगों के लिए भी महिंद्रा थार 4x4 की कैपेबिलिटीज के बारे में ये भी सवाल पूछेंगे, ये भी टेस्ट करेंगे इस गाड़ी को। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स क्विकली गेट इनसाइड द कार एंड स्टार्ट आवर ऑसम जर्नी टू फाइंडिंग द हिडन लेक। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम हमारे नए डैश कैम के अंदर। बट गाड़ी की बातें और जा कहाँ रहे हैं, हमारे सीक्रेट लेक की बातों से पहले बात कर लेते हैं आज के मौसम की। यार सुबह सुबह उठे, 6 बजे निकलना था, ऐसी खतरनाक मूसलाधार बारिश हुई कि 6 बजे तो निकल नहीं पाए, और फाइनली जाके अब 10 बजे निकल रहे हैं टू फाइंड दिस हिडन लेक, बिकॉज टुडे इज अ वीकेंड एंड वी हैव टू डू दिस इन द वीकेंड, वरना वीकडे में तो यहाँ पर ट्रैफिक होता है। तो अभी के लिए हमने गूगल मैप में टेंटेटिव लोकेशन डाल लिया है, जहाँ तक जाती है पक्की सड़क, ठीक है। उसके बाद शुरू होगा कुछ ऑफ रोड। हमारी जर्नी आज कैसी होने वाली है, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम गुड़गांव, ठीक है, एंड गुड़गांव से हम जा रहे हैं टूवर्ड्स फरीदाबाद पहाड़ी वाला रास्ता, द फरीदाबाद गुड़गांव हाईवे। उसके बाद आगे जाके वील टेक अ राइट इन टू विलेजेस। अब जब जब जो जो विलेज आते जाएंगे हम आपको उसके बारे में बताते जाएंगे, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है क्या है। मानसू, हैव यू एवर बीन टू दिस प्लेस, हैव यू हर्ड ऑफ दिस प्लेस बिफोर? कभी सुना है तुमने इसके बारे में? नेवर। कभी नहीं ना? कभी नहीं सुना तो क्या हुआ, जब तक महिंद्रा थार है हमारे साथ तब तक डरने की क्या है बात। और इसी वजह से महिंद्रा थार इज माय फेवरेट, क्योंकि टेरेन चाहे ऑफ रोड हो चाहे स्लश, महिंद्रा थार नेवर कन्फाइंस यू टू लिमिटेशन ऑफ टेरेन, ऑल थैंक्स टू इट्स अमेजिंग 4-wheel ड्राइव ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक डिफरेंशियल लॉक, हिल डिसेंट कंट्रोल, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, ऑल टेरेन टायर्स, और कितने फीचर्स बताऊं भाई। बट जो चीज अलग है मेरी थार से इस पे, वो मैंने कभी नोटिस किया, वो है ये बटन्स। आई थिंक दीज आर द न्यू बटन्स व्हिच हैव कम इन प्ले। हमने गाड़ी को कारप्ले से कनेक्ट किया हुआ है, बिकॉज ऑफ व्हिच वी नाउ आर गेटिंग आवर नेविगेशन फॉर द प्लेस वी हैव टू गो। एंड अगेन गूगल मैप भी थोड़ा सा कंफ्यूज है, पर कोई बात नहीं। ये जो शुरू हुई हमारी ऑफ रोडिंग का फन। अब देखो ये गाड़ी का, देखो कहाँ है ये, देखो ये टेम्पो को, देखो कहाँ है पानी में, और हम लोग को देखो, क्या बात है। जितनी ऑसम अपनी महिंद्रा थार है उतनी ही ऑसम हमारी ये शॉर्ट ट्रिप होने वाली है। और अब कुछ आधे घंटे के बाद हमने क्रॉस किया गुड़गांव, और जो नज़ारे हमने देखे, क्या बात,
मुझे हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों बार लोगों ने पूछा है कि आकाश भाई आप ऑफरोडिंग कैसे करते हो। तो आज मौका भी है और दस्तूर भी, और आओ मेरे ऑफरोडिंग के चाहने वालों, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ 4x4 ट्रांसमिशन वर्क्स। टू ओपन द फ्लोर, लेट मी टेल यू, थार कम्स विद अ 4x4। सिंपल बात है, समझ लो गाड़ी में चार पहिए हैं। अब क्या होता है, जब भी गाड़ी नॉर्मल रोड पे चलती है, गाड़ी को हमेशा आगे खींचा जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे सिर्फ दो पहियों की जरूरत होती है, क्यों? क्योंकि गाड़ी का एक मोमेंटम क्रिएट करना होता है। तो दैट इज कॉल्ड अ टू व्हील ड्राइव। टू व्हील ड्राइव इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू द बेस्ट कंट्रोल एंड इट गिव्स यू द बेस्ट माइलेज, ठीक है। गाड़ी पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, आप सीधे चल रहे हो। तो टारमैक के ऊपर हमें फोर व्हील ड्राइव की जरूरत नहीं होती है, टू व्हील ड्राइव में हमारा काम चलता है, एंड दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द सिटी कार्स आर टू व्हील ड्राइव। इसके बाद आता है फोर हाई। फोर हाई की जरूरत कहाँ पड़ती है, जब आप एक बेसिक ऑफ रोडिंग टेरेन में जाते हैं जहाँ पे जमीन ऐसी है कि आपको पता है कि योर टायर्स माइट स्लिप, ठीक है। तो आपके अगर टू व्हील ड्राइव है तो आपके पीछे अगर एक भी टायर फंसता है तो आपकी गाड़ी फंस जाएगी। तो आप चाहते हो आपके चारों टायर घूमे, पूरा इंजन आपके चारों टायर को पावर दे। अगर आपको ट्रैक्शन चाहिए, अगर आप थोड़ा अच्छी स्पीड में चलाना चाहते हो इन एन ऑफ रोड कंडीशन, और आप चाहते हो आप राइट मोड़ों पर आपकी गाड़ी स्किड ना करे। फोर लो इज वेन बोलते हैं ना, जब आसमान फट जाता है तब आपको जरूरत पड़ती है फोर लो की। योर कार नाउ बिकम्स अ बीस्ट। किस कंडीशन में फोर एल की जरूरत पड़ती है, बर्फ गिर गई है, ठीक है, बर्फ जमी पड़ी है, नाउ यू वॉन्ट योर कार टू क्रॉल, तो आप 4L का इस्तेमाल करोगे। कीचड़ के अंदर फंस गए हो, स्लश के अंदर गाड़ी फंसी हुई है, आपको गाड़ी निकालनी है तो आप उसका इस्तेमाल करोगे। और अभी तो रुको, महिंद्रा थार कम्स विद अ फुल पावर इंफोटेनमेंट सिस्टम व्हिच हैज इनबिल्ट एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एडवेंचर स्टार्ट, टायर प्रेशर मॉनिटर एंड व्हाट नॉट। This car is not just a car, it's an ultimate beast. और अब कार की बातें बहुत हो गई, थोड़ा हिडन लेक के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, now we are finally entering inside Aravali Hills. आपको पता है Aravali Hills are the mountains which are encircling our Delhi NCR, and इनके अंदर बहुत सारे hidden places and hidden gems हैं जो हम लोगों ने explore नहीं करे हैं। Lake के बारे में बताता हूँ आपको। This lake is called Panikot Lake, and यहाँ पे ना जो भी lakes हैं, most of them are not natural, they are man-made lakes, and most of them are reservoirs, but कुछ naturally बन चुके हैं because of they found the flow, but यहाँ पे क्या होता था ना, पत्थर यहाँ पे तोड़े जाते थे। All the construction, Delhi में high construction हुई है, उसके सारे जो पत्थर की supply थी वो इन पहाड़ों से आती थी। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी क्वारियां होती थी जहाँ पे पत्थर तोड़े जाते थे। देन द गवर्नमेंट बैंड यहाँ से पत्थर निकालना, एंड उसके बाद ये जगह ऐसी छोड़ दी गई, एंड इवेंचुअली ओवर द इयर्स जहाँ बारिशें होती रही। एंड दोस्तों, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं हमारा पहला गांव विच इज बंगर गांव। आप देख सकते हैं ताऊ जी बैठे हैं वहाँ पे। दोस्तों, अब हम क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरा गांव ऑन अ वे, और अब रास्ता होता जा रहा है और संकरा और टाइट, और हम गांव के थ्रू जा रहे हैं। दिस राइट नाउ अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, इस गांव का नाम है दोहा। गूगल मैप हमें लेके जा रहा है, कुछ दिखा रहा है कि जो हमारे ऑफ रोड का स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऐसे कुछ 6 किलोमीटर 14 मिनट। राइजिंग थिंग इज ऑल दीज विलेजेस दे आर राइट 1 आवर फ्रॉम दिल्ली NCR एयर। तो अभी हम टेक्निकली दिल्ली के ही नेशनल कैपिटल रीजन में हैं, और ये गाँव यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, एंड दिस इज व्हाट आई कॉल एक्सप्लोरिंग, यू नो, दिस इज व्हाट एक्सप्लोरिंग इज ऑल अबाउट। कि आप अपने लोकल एरिया में जाके यू ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबिलिटी टू सी द कल्चर। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर दिल्ली NCR में ही कोई ऐसी जगह होगी, मैंने सोचा नहीं था, बट चलो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। सही में बिलीव ही नहीं हो रहा कि दिल्ली NCR में एक ऐसी जगह है जो गूगल मैप्स पर भी नहीं है। आओ लेट्स एक्सप्लोर इन ट्रेडिशनल वे। दोस्त, हम कहाँ पे रहे अभी? कोट में। और यहाँ से पानीकोट लेक का रास्ता कहाँ से है? यहाँ से। ये आगे से उल्टा हाथ पे कट जाएगा, आपके कच्चा रास्ता है। हाँ, कच्चा रास्ता। ये गाड़ी चली जाएगी? हाँ। पक्का चली जाएगी? हाँ, एक नुकुर रास्ता जा रहा है और मुड़ जी है। अच्छा, चलो ठीक है, धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। गौ माता की जय हो। ये देखो, ये गौ माता भी ब्लॉग में आ रही है, थोड़ा घबरा रही है कि क्या है। ये लेफ्ट टर्न है विच इज गोइंग टूवर्ड्स पानीकोट लेक, एंड दिस इज वेयर वी हैव टू गो। और आप देख सकते हो फाइनली द टारमैक हैज एंडेड, एंड नाउ वी आर इन अ ऑफ रोड ट्रेल। ट्रेल के अब इस पार्ट में पहुंच चुके हैं कि कीचड़ ज़्यादा है बिकॉज कल शाम को जो मूसलाधार बारिश हुई है साशी, तो मुझे लगता है कि वी नीड मोर ट्रैक्शन। तो हिमांशु, टू डू दिस आई वांट यू टू पुट द कार फर्स्ट ऑन न्यूट्रल, तो इस लेवल को पहले न्यूट्रल पे डाल, ठीक है? हाँ, न्यूट्रल पे आ गया। नाउ यू हैव टू पुट इट ऑन 4H, 4 हाई पे डाल इस लेवल को। जब तो उसको 4 हाई पे डालेगा, हाँ, एक बार पीछे जाएगा, अब तो वो देखेगा कि जो हमारा ये है ट्रांसमिशन,
इसमें दिखाएगा तेरे को ये 4H एक्टिवेट हो चुका है, कितना कूल ग्राफिक आ रहा है, देख रहा है? एंड इनफैक्ट तेरे डैशबोर्ड में 4H आ जाएगा नाउ, चारों व्हील मूव करेंगे एक साथ, लेट्स गो। थोड़ा ऑफ रोड करने के बाद कुछ 3 से 4 किलोमीटर ऑफ रोड के बाद नाउ वी आर फाइनली सीइंग बहुत खुल रहा है अब ये 4H की परफॉर्मेंस कैसी लगी मानशु? बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया। गाड़ी कंट्रोल में फील हो रही थी, महसूस हो रहा था कि गाड़ी अपना पूरा दम दिखा रही है। यही तो मैं बोलता हूँ, दैट्स द थिंग, ऑलवेज रिमेंबर यूज द गियर व्हिच योर कार इज आस्किंग फॉर, नॉट व्हाट यू थिंक माइट नीड, एंड यू विल फील इट इवेंचुअली। जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा आप समझने लग जाएंगे उस गियर की फील को। जन्नत है मेरे भाई, बाहर से देख ले जन्नत। तो दोस्तों ओके ओके वेट फॉर इट, ओके 3, 2, 1 वेलकम टू पानीकोट लेक एंड वाओ मैन, ये दिल्ली NCR में है। वाओ, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, प्यारी जगह है यार। चेक दिस आउट गाइस, दिस इज पानीकोट लेक एंड आई जस्ट कांट बिलीव इट। और हिमांशु तू मानेगा, तू देख रहा है वो पीछे पहाड़ है, वो देख वो देखो लिख रहा है, दिखेगा वो तो कटे हुए हैं, बिकॉज दैट इज वेयर ये पूरे पहाड़ कटते थे एंड दैट्स व्हाई द ब्लडी स्टैंडिंग वॉल अभी सब बंद हो चुका है। एंड लुक एट द वाटर गाइस, मन कर रहा है बस कूद जाऊं। नेकी और पूछ पूछ पानीकोट लेक में मस्त डुबकियाँ लगाने के बाद आई फील सो रिफ्रेश्ड। एक तो आज मौसम इतना अच्छा है, मुझे लगा था बहुत गर्मी होगी तो और भी मज़ा आएगा, बट फ्रेश रेन वाटर द फर्स्ट जंप, मज़ा आ गया। जस्ट वांट टू गिव अ सुपर ह्यूज शाउट आउट टू द महिंद्रा थार 4x4 फॉर गेटिंग अस टू दिस ऑसम स्पॉट। हिमांशु थैंक यू सो मच भाई, आई होप यू हैड अ गुड टाइम ट्रैवलिंग टुडे। We really enjoyed a lot. For everyone, this is Panikot Lake. जब आना चाहे आ सकते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो गंदगी ये जो मचाया है ना, ये हरकतें ना करिए, ये सब ना करिए, ये अभी हम लोग क्लियर आउट कर लेंगे फॉर मीनवाइल। बट अगर आप लोग आ रहे हैं तो प्लीज़ ये चीज़ें ना करें। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस व्लॉग, दिस इज वेयर इट कम्स टू एन एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा, आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को फोड़ दीजिए, ठोक दीजिए, मरोड़ दीजिए, बिकॉज जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आप हो तो हम है और हम है तो ये सारा जहाँ है। Inside the news, there's an alternate way. अगर आप गुड़गांव से आ रहे हैं तो आप सोना रोड लेके आगे जाके जो नया दिल्ली बॉम्बे हाईवे खुल रहा है उससे लेफ्ट टर्न लेके यू कैन कम एंड ये ऑफ रोड का पार्ट जितना थोड़ा कम हो जाएगा, ये आप जो हम गाँव के थ्रू आए हैं वो मिस हो जाएगा, ऑफ रोड रहेगा अभी भी पर हम वो गाँव की जगह अभी कम थ्रू द हाईवे। तो मगर ये सिर्फ उनके लिए जो गुड़गांव से आ रहे हैं, बाकी उनके लोगों को एवरीबडी हैज़ टू कम थ्रू द सेम रूट, यू हैव टू क्रॉस इधर फरीदाबाद और यू हैव टू क्रॉस इधर फ्रॉम गुड़गांव, गो ऑन अ गुड मेरोली गुड़गांव हाईवे एंड देन एंटर दिस पार्ट। थोड़ा सा इनसाइडर।